हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश यादव एक्टिव एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलो हम स्टार्ट करते हैं, जो सीरीज पढ़ रहे थे उसी को ही आगे। तो मेरे साथ बने रहिए, ये आपका टेस्ट ही समझो। आप टाइम लगाकर इसको हल कर सकते हो मेरे साथ साथ, तो आपकी स्पीड भी पता चल जाएगी, प्रैक्टिस आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको आता है, कितना भूल गए, तो कुछ याद रहा कुछ भूल गए, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। देखो 0.0625 का मान क्या होगा, रूट निकालना है। तो 625 का रूट निकालोगे तो याद होगा 25 का स्क्वायर होता है भाई 625। तो 625 का रूट निकालेंगे तो 25 आएगा। अब यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, बाकी इनमें है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा रखे, दशमलव। दशमलव की क्या कंडीशन होती है, स्क्वायर रूट निकालते समय आधे स्थान पर हो जाएगा, चार अंकों से पहले है। दाईं तरफ से देखो, एक दो तीन चार, चार अंक से पहले है तो दो अंक से पहले हो जाएगा, चार का आधा दो होगा, इसमें है दो अंक से पहले दशमलव, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दिखने में थोड़ा लग रहा होगा थोड़ा सा अजीब, लेकिन ये अगर सीरीज देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। जोड़ करना है, कहाँ तक जोड़ करना है, 20 तक, लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, यानी कि n की वैल्यू इसमें 20 गुणा 21 बटा 2, और इसको कितने से और डिवाइड करना है, 7 से, 7 का भाग और देना है, तो 7 तिया 21, 2 से कैंसिल करेंगे 10, तो 10 तिया 30, कितना आंसर आ गया इसमें, 30 आ गया। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, और देखो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा है। तो इसके लिए दो तरीके बताता हूं मैं, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि ऊपर जो अंश दिया हुआ है ना उसके साथ दो जीरो लगा लो सभी में, कितने जीरो, दो जीरो लगा लो, बस इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आंसर पहले ही दिख जाएगा, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। दो जीरो लगा लो, तीन का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 × 18, 2 बचेंगे, 3 × 18, जो शेष बच गया रिमाइंडर उसको रहने दो। अब देखो 66 से बड़ा आंसर इसमें तो आएगा नहीं, 50 आएगा, 7 × 28 यानी 40 से कुछ आंसर आएगा, इसमें 7 × 5 = 35, फिर 5 0 यानी 5 के आसपास रह गए तो 59 तक चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो यही संख्या बड़ी होगी 2/3 से, है ना, 7 × 8 = 56 यानी वैल्यू बड़ी चली गई, तो 6/7 बिन क्या है, इस बिन से बड़ी है। क्या करो, दो जीरो लगा लो और उसको सोल्व कर दो, है ना, जिसमें बड़ा आंसर आए बड़ी बिन, छोटा आंसर आए हो छोटी बिन। दूसरा तरीका पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखना, बढ़ते आगे। 2, 3, 4 तथा 6 से विभाजन करने पर प्रत्येक से शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, अब बताओ इसका आंसर डायरेक्ट दे या इसको पूरा सोल्व करे। तो आप जल्दी से लाइक का बटन दबा दे और तुरंत इसका आंसर देखो, 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, फटाफट ध्यान से देखना। 1 शेष देना है और उससे पहले ध्यान देना, 2 क्लासे होती है अपनी, शाम को इवनिंग में 6 बजे जो क्लास आती है तुम्हारी मैथ की, और सुबह 6 बजे करंट जीके की कंटिन्यू क्लास अरुण सर द्वारा ली जा रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सुबह जल्दी उठकर देखा करो, जीके याद रहेगी। ठीक है, 1008, 1005, 1009, तो देखो 1 शेष फल बचाना है अभी, 1 तो संख्या 1 अधिक लेनी पड़ेगी, जैसे मैं कहूँ 6 में 3 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन 6 की बजाय यदि 7 लेंगे तो 1 शेष बचा रहेगा, यानी जितनी बार भाग जाए उससे 1 बड़ी संख्या ले लेंगे तो 1 शेष फल बचा रहेगा, यानी ये सब संख्याएं 1 बड़ी ले रखी है, इनको 1-1 कम कर दो सबको, कितना कम कर दो, 1-1 कम कर दो, है ना, तो 1 कम करेंगे 1007, यानी 7 बचेगा, पीछे 4 बचेगा, इसमें 8 और उसमें 6। अब देखो 2 से भी 3 से भी 4 से भी और 6 से भी भाग देने पर शेष फल कितना बचता है, 1 बचता है, तो अब ये देखो कि 2, 3, 4 और 6 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होती है, ऐसा सवाल आए तो ध्यान देना, 3, 9, 11 ऐसा कोई नंबर आ जाए तो सबसे पहले उसको चेक करने की कोशिश करना। तो हम 3 को चेक करते हैं, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, भाज्यता का नियम क्या है, कि अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो यहाँ 7 हो जाएगा, 1 माइनस करने पर 7 और 1 = 8 नहीं जाएगा, यह 4 हो जाएगा, 4 और 1 = 5 इसमें भी जाएगा, यहाँ 9 की बजाय 8 आ जाएगा, 8 और 1 = 9 इसमें जा सकता है, यहाँ और चेक करो 6 और 1 = 7 इसमें भी नहीं जाएगा, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है
जिसमें तीन का भाग जा रहा है आठ तक, 1008 तक, और नौ में भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। तो दो में भी यही कंडीशन, चार में भी और छः में भी आप डिवाइड करके देख सकते हो। तरीका क्या है इनका, एलसीएम ले, चार अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भाई, एक और जीरो लगा दो। अब एलसीएम का भाग दोगे आप तो इससे छोटा नंबर नहीं लेना, इससे आगे बढ़ता हुआ नंबर लेना है कोई भी, जिसमें 12 का यानी 12 का भाग चला जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा 1008। नेक्स्ट पर्सन देखना, कल वाली क्लास में भी आया था ये, आप कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको, तो दो नंबर मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, देखो ए स्क्वायर दिख रहा है यहाँ तक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो चार तो मैंने अब लिख दिया, स्क्वायर है दो बार मल्टीप्लाई है तो प्लस ए बी, और नीचे आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस वैल्यू को इसके नीचे रख दे, लेकिन इसको उल्टा कर दिया, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, तो इसका जो आंसर आता है, अगर ये ऐसे हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसका आंसर आता है ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी आंसर तो ए माइनस बी आएगा, लेकिन इसको उल्टा कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली ऊपर, तो हमारा आंसर भी एक बटा में लिख दो, संख्या उल्टी हो जाएगी, एक बटा ए माइनस बी। बताओ 3.2 में से 2.7 घटाओगे तो कितना आएगा, ऐसे 12 में से 7 गए 5, या 2 बचेगा 0, यानी 0.5। तो a माइनस बी आया 0.5, एक बटा 0.5 पॉइंट आएंगे, ऊपर 0, 5 दूनी 10, कितना आंसर आ गया 2 आ गया, कितना आंसर आ गया 2 आ गया। देखो इतना बड़ा सवाल नहीं था ये, फॉर्मूले अगर आपने याद कर रखे तो, नहीं भी कर रखे तो डायरेक्ट बता रखा आपको, ए क्यूब बी क्यूब, जब भी क्यूब वाले में माइनस का चिन्ह मिले तो ये माइनस कर देना, ठीक है, और प्लस का चिन्ह मिले तो प्लस कर देना। फॉर्मेट आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, कभी कभार थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। तो 3.2 में से 2.7 घटाते 0.5 आता, अब हाफ आंसर मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे है वैल्यू और ये ऊपर उल्टी कर रखी है, तो हाफ का उल्टा करोगे यानी दो ऊपर चला जाएगा एक नीचे, कितना आंसर आ जाएगा दो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, एक रेशियो दिया हुआ है ए बराबर 5/4b, इसको समझ लेना भाई, a बराबर 5/4b, तो इस तरह कभी भी वैल्यू आए तो इस वैल्यू के नीचे अगर कोई वैल्यू है तो उसका रेशियो वही रहेगा, और एक की वैल्यू कितनी होगी 5, यानी a और b का जो रेशियो निकालेंगे वो आएगा 5:4। इसी तरह b और c का रेशियो निकाल सकते हो, रेशियो को b और c का क्या हो जाएगा, देखो b की वैल्यू ऊपर वाली रहेगी 2 और c की 10, 2 और 10 को मैं अगर डबल कर दूँ तो ये हो जाएगी 4 और 20। ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि b सेम हो गया, और b सेम होते ही बीच वाली वैल्यू सेम होते ही सेम एज इट इज ऐसे कैसे वैल्यू रख दो, कुछ सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका आंसर आया 5:4:20। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है, एक संख्या a b से 30% कम है, तो देखो a से सॉरी संख्या a है वो b से, तो b कितनी होगी 100, तो a कितनी होगी 70, यानी इनका जो रेशियो है वो है 7 और 10 का, है ना। ये संख्या 7 है तो ये 10 होगी, आगे का है तथा b 150 से 20% अधिक है, b है वो 150 से 20% अधिक है, तो 150 से 20%, देखो 100 पर 20 तो 50 पर 10 यानी 30 बढ़ जाएगा। आप ऐसे भी प्रतिशत निकाल सकते हो, 0 से 0 काट दो 30, यानी कि 150 से 20% अधिक का मतलब 30 अधिक कर दो, कितना हो जाएगा 180। तो 180 यानी बी की वैल्यू दे रखी है 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 180, तो एक यूनिट का मान 18 हो जाएगा, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 18, और 7 का कितना हो जाएगा 18 7 पढ़ाता है 18 का, तो 18 7 देख लो कितना आएगा 126। क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पर्सन पर बढ़ते हैं, 11 खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है, कितने वर्ष है 33 वर्ष है। पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष,
तथा शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो प्रशिक्षक की उम्र बतानी है हमें। तो ऐसे सवाल में बस ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा कर लो कि भाई 11 खिलाड़ी और एक प्रशिक्षक 12 हो गए, इनकी एवरेज आयु दे रखी 33, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 12 या 36, और 36 और 3 396। पहले 5 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत आयु 29 वर्ष, तो 29 × 5 यानी कितना आएगा 145, 145। और शेष जो 6 खिलाड़ी हैं उनकी 30, तो 30 × 6 = 180 यानी कि जो 11 खिलाड़ी हैं उनकी जो एज आई है, उम्र आई है, वो आई है हमारे पास 325 वर्ष। और प्रशिक्षक को शामिल कर रखा था, उनके कोच को शामिल किया, तो टोटल उम्र आई है 396 वर्ष। कितने वर्ष अधिक है ये 71 वर्ष, तो 71 वर्ष किसकी उम्र आ गई, प्रशिक्षक की आयु आ गई। 396 में से 325 माइनस करोगे, भाई सबकी उम्र तो 396 थी लेकिन कोच को घटाया तो 325 रह गई, तो देखो कितनी कम कर दी हमने, 71 यानी 71 वर्ष। तो कोच की उम्र कितनी आई, 71 वर्ष आ गई। नेक्स्ट पर्सन पर बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है अच्छे से, चलो। तो नेक्स्ट पर्सन है 8000 रुपये पर 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तो अब देखो अंतर ज्ञात करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप किसी अलग तरीके से पढ़ा होगा, इसके 3-4 तरीके होते हैं अलग अलग तरीके से हल करना, लेकिन डायरेक्ट करेंगे हम, एक फॉर्मूला लिखते हैं अंतर का 2 वर्ष के लिए, ओनली फॉर 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए क्या होता है, मूलधन गुणा दर बटा सूद का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, अंतर पूछा है हमसे मूलधन कितना है 8000, दर कितनी है 2.5, 2.5 बटा 100 गुणा 2.5 बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये पॉइंट हटाएंगे 0, ये पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो और लग जाएगा, तो इसको काट दे 25 × 100 = 400, और 25 × 100 यानी कितना आ गया इसमें, सॉरी 25 × 1 = 25 और कितने 25 × 6 = 150, 16 16 × 5 = 80 यानी कि कितने रुपए है 5 रुपए। तो अंतर जो आया सरल ब्याज में चक्रवर्ती ब्याज का कितने रुपए आ गया 5 रुपए। देखो अंतर पूछा हमसे, मूलधन है 8000, दर दे रखी 2.5%, तो 2.5 × 100 × 2.5 × 100 कर दिया हमने 2.5, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट कैंसिल किया तो नीचे 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसको कैंसिल आउट किया तो कितनी वैल्यू आई हमारे पास 5 आई, यानी कि जो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितने रुपए आया 5 रुपए आया, है ना। इसके अलावा फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, है ना, और भी तरीके लगा सकते हो, लगाना चाहो तो। यदि 40 कुर्सियाँ 10000 रुपये में खरीदी गई और 60% लाभ कमाने के लिए 10000 रुपये में कितनी कुर्सियाँ बेची जाए, देखो यहाँ पर ये चीज़ सेम है, रुपए सेम है, जितने में सामान खरीदा उतने ही रुपए का बेच रहे हैं, लेकिन हमें 60% लाभ भी कमाना है तो कैसे कमाया जाएगा। 50 रुपये लीटर का दूध खरीदा और 50 रुपये लीटर ही बेच दो और लाभ ना कमाओ, तो जितने में लिया उतने में बेच दिया, अगर लाभ कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूध में पानी मिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखो 40 कुर्सी है, 40 की 40 ही दे दोगे तो लाभ नहीं होगा, कुर्सियाँ कम देनी पड़ेंगी उस व्यक्ति को, तो कितनी कम दे। तो देखो कीमत जब ये सेम होती है कि 10000 में खरीदी, 10000 की हमें बेचनी है, तो वहाँ पर हम लगा सकते हैं कि जो इसकी कीमत का जो अनुपात होगा, कि जो 100 रुपये की चीज़ आई वो हमें कितने में बेचनी है, अब 160 में, वो वस्तुओं से उल्टा होता है, है ना। अगर ये मूल्य सेम दे रखा हो तो यहाँ पर इनका रेशियो है 5:8, तो वस्तुओं का होगा 8:5, यानी 8 कुर्सी है तो 5 ही देंगे, लेकिन सवाल में कितनी है 40, तो 8 यूनिट 40 के बराबर, 1 यूनिट 5 के बराबर, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 25, यानी कितनी कुर्सियाँ दें हम उसको, 25 कुर्सियाँ दे, तो हमें 60% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 40 कुर्सियों की कीमत कितनी, कुर्सियों के क्रय मूल्य जो सवाल पढ़ते हैं हम,
कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, उस टाइप से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, वेरी वेरी सिंपल प्रश्न। ये वर्ग है, स्क्वायर है, इसके अंदर एक सर्कल डायग्राम किया गया है, बनाया गया है, अंदर अंदर ही ये बाहर नहीं है, है ना, ऐसे। तो हमें पूछा है इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो साइड क्या होगी इसकी, ए, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर क्या होगा इसका हाफ, ए बाई टू, तो ए स्क्वायर बाई फोर लिख दें, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर एक, ये पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 × 28 लिख दूँ नीचे, तो 28 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिख रहा है नीचे, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको। देखो ये आया हमारे पास 1:22/28, वैसे आ ही गया आंसर, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 14:11, कितना आ गया 14:11। तो यहाँ तक हमने प्रश्न पढ़े हैं, इनमें कोई समस्या लग रही है आपको, कोई समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, कि पीयूष अपनी एक वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक अंकित करता है और 20% छूट देता है, यानी 100 रुपये की चीज़ है तो लिखेगा कितना 130 और 20% की छूट देगा, तो 130 का 20% 26 हो जाएगा, यानी बेचेगा कितने में, 104 में। वह वस्तु को 780 रुपये में बेचता है, कितने बेचता है, 780 रुपये में बेचता है। तो देखो यहाँ पर 104 में बेच रहा है और सवाल में कितने बेच रहा है, 780 में, क्रय मूल्य पूछा है कितने रुपए लिखा है हमने, 100, तो 100 से गुणा कर दो इसको, तो 26 × 104 और 26 × 78, 4 से काटेंगे 25 और 25 × 75, यानी कितने आ गए 750 रुपये, कितने रुपए हो गए, 750 रुपये। क्लियर, कोई दिक्कत। देखो इस वैल्यू को तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ये जो वैल्यू निकाली 104 वाली, तो ये बता रखा आपको प्रतिशत में कि एक बार बढ़ाए और छूट दे दे, लाभ आने वाले वीडियो आप देख लेना, डायरेक्ट लिखते बढ़ाए तो 100 में जोड़कर घटाए तो यानी छूट देगा, माइनस होगा, 100 में से घटा करो बटा 100, तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 104, और इसकी वैल्यू दे रखी हमें 780, 100 की वैल्यू याद करनी है ना, तो इस टाइप से आप इसको हल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखो इसको मैं समझाने के लिए थोड़ी सी जगह लेना चाहूंगा, तो इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियों को क्रमशः 10, 20, 30 तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो देखो दूरियां कैसे दे रखी है, समान दूरी दे रखी है, तो आपको कभी भी समान दूरी मिल जाए तो जरूरी नहीं क्वेश्चन में जो संख्या लिख रखी है उसको काम में लो आप, इसको काम में लेने की आवश्यकता नहीं है, है ना, दूरी समान है, औसत चाल निकालनी है, औसत चाल जो होती है क्या होती है, कुल दूरी बटा कुल समय, तो दूरी बढ़ाएंगे तो समय ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसको वापस डिवाइड करेंगे तो रेशियो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इस चीज़ पर ध्यान मत दो, ये ध्यान दो जब भी ऐसा सवाल आए दूरी क्या दे रखी समान, तो आप उसको कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी मान सकते हो। देखो एक चाल है 10, एक है 20, एक है 30 और एक है 40, तो दूरी हम मान लें इनका एलसीएम या ऐसा नंबर जो इनकी टेबल में आता हो या कहीं ना कहीं इनसे कैंसिल आउट हो जाए, तो 10 से डिवाइड करेंगे 12, 20 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 30 का 4 बार और 40 का 3 बार, तो ये दूरी दे रखी हमें, ये चाल दी है, दूरी के अंदर जब भाग दिया तो आपके पास इधर आएगा टाइम, समय आएगा, और औसत चाल होती है, औसत चाल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है 120, नहीं 120 नहीं लिखोगे, 120 ये चला, 120 ये, 120 ये और 120 ये, तो 4 दूरियां हो गई, 120 × 4 यानी कि 480, और कुल समय कितना लगा है यानी कि 25
तो 25 से कट जाएगा, देखो 5 से काट दो 5 आ जाएगा, और ये अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 चौक 96, 96 बटा 5 या 5 एकम 5, 5 नम 45, 19 पॉइंट कुछ ए के ऑप्शन में 19.2 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हो, तीन को छोड़कर अगर तीन काम में लोगे तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना चाहो तो आपने वो पढ़ा है 2AB है ना, ए प्लस बी वाला, दो दूरियों के लिए, तीन दूरियों के लिए क्या हो जाएगा, 3ABC, AB प्लस BC प्लस CA, ऐसे चार दूरियों के लिए ABCD, ABC प्लस BCD, CD, इस टाइप से आप बना कर लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो ऐसे फॉर्मूला लंबा जाएगा, आप इस बेसिक से हल करना, ऐसा कोई प्रश्न आपके एग्जाम में फिर कभी पूछा जाए तो ठीक है, जल्दी आंसर निकालने के लिए। पी ने एक व्यापार 80,000 के साथ आरंभ किया और कुछ महीने बाद क्यू भी शामिल हो गया 60,000 रुपये लगाकर, वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 2:1। देखो लाभ का अनुपात क्या होता है भाई, जो धन का और समय का जो अनुपात होता है उसका गुणनफल ही लाभ के अनुपात के रूप में आता है। जो धन का और समय का जो गुणनफल होता है, जैसे पी है और क्यू है, इसने लगाए 80,000 रुपए, इसने लगाए 60,000 रुपए, यहां पर टाइम नहीं पता और इसका टाइम है साल के लास्ट तक, भाई फर्स्ट में लगा है और वर्ष के अंत में लाभ हुआ है तो 12 महीने तक इसका धन रहा है। तो इसको जब सोल्व किया तो जो लाभ का अनुपात आया वो कितना है, 2:1 आया। ऐसे निकालते हैं कि इसको काट कर जो भी संख्या आती है वही लाभ का अनुपात होता है, तो ये हमें दे रखा है 2:1। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दे तो ये वैल्यू को आप बराबर में लिख सकते हो, ऐसे गुणा 12 गुणा 1 ये बराबर हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। जैसे अपन ऐसे लिखते हैं ना, 2A = 3B, ये तो फेवरेट है, ए का मान 3 बी का 2, तो ए अनुपात बी अगर 3:2 लिखा जाए तो उल्टा इसको ऐसे लिख सकते हो, 2A = 3B, ऐसे इसको उल्टा कर दिया मैंने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और बराबर में लिख दिया, गुणा टी और गुणा 2, तो 4 0 से 4 0 डाल दो, 6 2 12, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 8, टी की वैल्यू कितनी आई 8 माह। अब देखो 8 ऑप्शन मत कर देना आप, इसमें तो है भी नहीं, अच्छी बात है, लेकिन 8 महीने तक उसने काम किया क्यू ने पी के साथ। हमसे पूछा है व्यापार में कितने महीने पश्चात आया, कितने महीने के बाद शामिल हुआ है ये बताना, में तो 8 महीने तक रहे, पूरी साल की बात है तो 4 महीने बाद आया, 12 में 60 माइनस करेंगे कितना जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 महीने बाद शामिल हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, तो ये आप खुद कर सकते हो लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। एफ और एम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं, एफ और एम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं और उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है एफ अकेला, एफ अकेला 12 दिन में, तो काम कितना मान लें 24, ये 3 काम करता है और ये 2, एफ और एम जाएंगे तो 3 काम करेंगे जिसमें से एफ करता है 2 काम, तो एम के हिस्से में कितना आया 1 काम, यानी एम है वो एक दिन में 1 काम करता है, तो इस तरह 24 काम को एम कितने दिन में कर देगा, एक एक के हिसाब से 24 दिन में, कितने दिन में 24 दिन में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं और आगे भी साथ बने रह सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, ये बात लास्ट में क्यों बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट तक जो देखेगा उसके ही अच्छा से समझ में आएगा, अगर थोड़ा सा देखकर अगर छोड़ दिया वीडियो को तो कुछ नहीं हो सकता। अब साथ बने रहोगे तो देखना थोड़े दिन बाद 10-15 वीडियो आप पढ़ने के बाद आप खुद महसूस करोगे कि आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आप सभी का धन्यवाद।